कह लीजिए कि देश का और हमारा आपका भविष्य बदलने का समय आया हुआ है, यही तो है। और आज जो मानवर साहब ने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार कब तक सहोगे अत्याचार, तो अगर आज दलित के साथ अत्याचार हो रहा है तो मुसलमान के साथ भी कम अत्याचार नहीं हो रहा। साथियों, सबसे बड़ी तो धोखे की बातें हैं, हमारा मुस्लिम समाज आज बहुजन समाज पार्टी को तो वोट करता था, मगर उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट करता था। सम्मानित साथियों, आज वो पार्टी इतना बड़ा हमें हम लोगों को धोखा दे रही है कि प्रदेश में हमको कहीं हिस्सेदारी नहीं दे रही है। अगर टिकट की बारी आ रही वो भी नहीं दे रही। इतना नहीं, आज तो समाजवादी पार्टी को इतना नफरत हो गया कि दाढ़ी टोपी से भी नफरत हो गया। समाजवादी पार्टी एक नेता अखिलेश यादव जी मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। हमारा जब घर गिरता है तो अगर कोई हालचाल लेता है तो माने बहन जी ट्वीट करके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बोलती है। साथियों, अगर कहीं अत्याचार होता है हमारे नेताओं के ऊपर तो माननीय बहन जी बोलती हैं। यही हमारे समाज के बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब रहे हैं, वो जेल गए, कोई समाजवादी का नेता हालचाल लेने नहीं आया। यही नहीं, अभी मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, उनके साथ भी कोई बोलने के लिए नहीं आया। अगर कोई बोलता है तो माननीय बहन जी बोलती है। और राजनीति में हिस्सेदारी की बात आती है तो माननीय बहन जी 23-23 टिकट देके मुसलमानों का सम्मान और हिस्सा बढ़ाती है। साथियों, और यह समाजवादी पार्टी क्या करती है, अगर कहीं से मुस्लिम सांसद 4 बार 5 बार होते आए हैं तो वहां धीरे से आइडिया लगा के वहां कहीं अखिलेश यादव जी पहुंच जाते हैं चुनाव लड़ने, कहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी पहुंच जाते थे चुनाव लड़ने। वो करते क्या थे, एक चुनाव तो आपको कहते थे हमको लड़ने दीजिए, जब वो वहां से सांसद बन जाते थे फिर दूसरे मुसलमान वाली सीट पे उनकी नजर होती थी। इस सीट पे अपने भतीजे को और बेटे को बहू को लगा के दूसरा मुसलमान की सीट को कब जाने पहुंच जाते थे। साथियों, ये हम लोगों के साथ इतना धोखा आया होते आया है समाज। साथियों और सम्मानित साथियों, पिटे पिटाई का तो मेल हो सकता है, पीटने वाले से कभी मेल नहीं हो सकता। साथियों, वक्त आ गया है पिटे पिटाई एक हो जाए तो पीटने वाले को पीट सकते हैं। साथियों, और अब चुनाव आ गया है तो और सबसे बड़ी बात, माननीय बहन जी ने जिनको टिकट दिया है माननीय डॉक्टर जगन्नाथ पाल साहब, एक कार्यकर्ता रहे आज 35 साल से पार्टी का सेवा कर रहे थे साथियों, और ऐसे समाज को माननीय बहन जी ने टिकट दिया कि 2.5 लाख वोट जो पाल समाज का था वो एक साथ में आके बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। साथियों, जब 2.5 लाख वोट पाल समाज का आ जा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट है SC ST का वो भी 6.5 लाख वोट है। साथियों, 2.5 लाख 6.5 लाख मिलके 9 लाख तो यही हो जा रहा है। साथियों, उसके बाद 4 लाख मुसलमान भी है। साथियों, मुसलमान भी इकट्ठा हो जा रहा है तो 75% तो हमारी वोट अकेले की हो रही। साथियों, तो हमको आपको क्या कोई हरा सकता है? साथियों, कोई नहीं हरा सकता। और ये वक्त है हमको आपको अपने बच्चों का भविष्य और अपनी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान बचाने का। साथियों, आज क्या स्थिति हो रही है, जानवर से बदतर हो गया कि नहीं हम लोगों का? एक जानवर को तो वो डंडे मार दोगे तो FIR हो जाएगा, अगर दलित मुस्लिम को कोई 4 डंडे मार देगा तो FIR भी उसका नहीं होता। साथियों, अपना हक हुकूक लेने का समय आ गया। साथियों, इस बार हम लोगों को चूकना नहीं है, 25 तारीख को हाथी के सामने वाली बटन दबा देना है। साथियों, दबा के अपने हिस्सेदारी भी ले लेना है और इस देश की हुकूमत को बदल देना है। साथियों, इसी वाली के साथ मैं अपनी वाली को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा।